नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दूसरे दिन मधेपुरा में एक तरफ पुलिस की चौकसी दिखी तो दूसरी तरफ सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी बनी रही। चौपहिया वाहन चालक ठाट से सड़कों पर आते जाते दिखाई दिए, वहीं ई रिक्शा और टेम्पो पर क्षमता से अधिक लोग सवार दिखाई दिए। हैरान करने वाली बात यह है कि क्षमता से अधिक लोगों को सवार करने के बावजूद कई लोग बिना मास्क के नजर आए, लेकिन ड्यूटी पे मौजूद पुलिसकर्मी से बेपरवाह बने नजर आए। औपचारिकता के तौर पर एक दो टेम्पो और चौपहिया वाहन चालकों से पूछताछ करते दिखाई तो दिए, लेकिन कोई खासा शक्ति शहर में नजर नहीं आया। शहर के कॉलेज चौक, पूर्णिया गोला जैसे प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद नजर आए। बस अड्डा के सामने सड़क किनारे कुछ बैठे नजर आए, उनमें से कई लोग बिना मास्क ही नजर आए, जबकि उसे चार कदम की दूरी पर ही पुलिसकर्मी सड़क पर मुस्तैद थे। पुलिसकर्मियों ने उन लोगों से यह पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि वे लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, एक साथ बैठे होने के बावजूद मास्क क्यों नहीं लगाए हैं। सड़क पर इक्के दुक्के वाहन नजर आए, बाजार में मेडिकल की दुकानें खुली रही, दवा की कई दुकानों पर लोगों की भीड़ और सोशल डिस्टेंस की अनदेखी नजर आई। लबालुआब यह कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद कई लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को हल्के में ले रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।